वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्राणी ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड हीटर। तो दोस्तों स्वागत है आज आपका हमारे सेकंड चैप्टर थर्मिक फ्लूइड हीटर कैसे चलाना सीखें उसके सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। में हम जानेंगे कि आपको जो हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो किसी भी थर्मिक फ्लूइड हीटर्स के आपको टेक्निकल पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए यदि आप उसको एक अच्छे वे से सीखना चाहते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमारा हम अपने एक थर्मिक फ्लूइड हीटर के जो हमारा फोरबिज विंकिन ने हमारा बनाया था उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारा फोरबिज विंकिन का जो हीटर है उसके टेक्निकल पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे शो किए गए हैं मैंने। तो ये ऐसे ही आपको दोस्तों जब आप किसी प्लांट में यदि आप न्यू ज्वाइन ही जा रहे हैं या फिर न्यू भी है आप फ्रेशर है आपको किस तरीके से आपको चलना है एक प्रॉपर वे से एक अच्छे तरीके से हीटर ऑपरेशन सीखना है तो दोस्तों आपको किस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी हम अपनी इस सीरीज में बिल्कुल अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि आप एक अच्छे वे से ऑपरेशन सीखें और उनकी जो ऑपरेशन की क्रिटिकलिटी है या फिर कोई भी ट्रबल शूटिंग्स है वो आपको यदि अच्छे से सीखनी पड़ेगी तो दोस्तों आपको ये पूरी सीरीज देखनी थ्रू आउट तभी आप एक अच्छे वे से हीटर ऑपरेशन सीख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था कि हमने एक ओवरव्यू दिया था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमारा यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले वाला वीडियो जाके देखिए ताकि आपको इस सीरीज में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए चीजें सीखने में। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है दोस्तों आपको ये टेक्निकल पैरामीटर्स कहां पे मिलेंगे तो जिस तरीके से मेरे स्क्रीन पे है कि ऑपरेटर्स मैनुअल्स की जो भी हमारे ऑपरेटर्स रहते हैं उसके लिए मैनुअल है या फिर हमारी जो मशीनरी है उसके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या क्या है यहाँ पे दिए जाते हैं ये भी यदि आपको कहीं पर भी ना मिले तो दोस्तों आप अपने जो इंचार्ज है या फिर उनसे आप ये इसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसको ऑपरेशन मैनुअल्स बोला जाता है जिसमें कि हमारे सारे ऑपरेशन पैरामीटर्स लिखे होते हैं मशीनरी के बारे में सारी टेक्निकल डिटेल्स होती है तो आप वहाँ से कलेक्ट करके आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा जो मॉडल है दोस्तों वो क्या है हमारा वो है फोरबिज विंकिन का। तो उसके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या है तो दोस्तों जैसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सीरियल नंबर है उसमें क्या है रेटेड हीट आउटपुट कि भाई वो हमारी जो मशीनरी जो हमारा हीटर है वो कितना हमें हीट आउटपुट देगा तो मीन्स डेट कि उसका लोड कितना है। तो देखा जाए जो हमारा थर्मिक फ्लूइड आउटपुट है उसका क्या है हमारा तो दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों जो हो देगा यहाँ पे हमारा 10,000 किलो कैलोरी पर हावर्स। तो देखा जाए जो हमारा जो फुल कैपेसिटी है हमारे यूनिट की वो क्या है 10 मिलियन किलो कैलोरी पर हावर है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कैपेसिटी के लिए लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा क्या है 10,000 किलो कैलोरी पर हावर्स के यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे क्या है इसका यूनिट क्या है 1,000 किलो कैलोरी पर हावर्स। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी का मतलब क्या है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा 1 ग्राम ऑफ वाटर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 घंटे तक उसको गर्म रखने के लिए हमें क्या है 1000 टाइम्स क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों 10,000 किलो कैलोरी या फिर 1 किलो कैलोरी पर हावर इसको हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्या है अभी नेक्स्ट में क्या है कि हॉट वाटर आउटपुट तो वो क्या है हमारा 1540 क्या है ये हमारा इसका कैपेसिटी है। इसका मतलब ये है कि भाई 1540 किलो कैलोरी पर हावर्स क्या है वो फ्यू गैसेस से एनर्जी कंज्यूम कर सकता है। उसकी कैपेबिलिटी कितनी है 1540 क्या है उसकी कैपेबिलिटी है कि जो हमारे वेस्ट फ्यूज गैसेस है देखो जो हमारा वाटर आउटपुट है तो उसमें से क्या है वो क्या हम कहाँ से हमारे वेस्ट फ्यूल गैसेज से तो एनर्जी लेगा वाटर को गर्म करने के लिए तो वो जो फिट फ्यू जो हमारी फ्यू गैसेज है वेस्ट फ्यूल गैसेज है उससे हमारा कितना है 1540 किलो कैलोरी पर हावर के हिसाब से क्या है फ्यूल गैसेज से एनर्जी कंज्यूम करेगा जो कि हमारा वाटर को हीटअप करने के काम आता है जो कि 150 से लेकर 155-160 तक क्या है जो हमारा फीड वाटर का टेम्परेचर क्या है रेज कर देता है जो कि हम फर्दर किसी यूटिलिटी पर्पज से हम यूज कर सकते हैं या तो उससे हम वैम ऑपरेट कर सकते हैं या फिर कहीं हॉट वाटर या फिर हम क्या बोलते हैं ड्रायर्स में काम ले सकते हैं। तो ये क्या है डिफरेंट जगह जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है हम हॉट वाटर का यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड क्या है दोस्तों थर्मिक फ्लूइड फ्लो रेट। तो दोस्तों बिल्कुल आपको अपने हीटर का थर्मिक फ्लूइड फ्लो रेट क्या है जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है 750 मीटर क्यूब पर हावर है वो आपके जो कैपेसिटी पर डिपेंड है आपकी जो आपने आपके प्लांट में जो जिस कैपेसिटी के थर्मिक फ्लूइड हीटर लगे हैं आपको उसका फ्लो का भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। फ्लो क्यों दोस्तों क्यों है कि जैसे कि अब आप कई जगह पे क्या है स्काडा सिस्टम नहीं लगे रहते वहाँ पे क्या है रिपोर्ट्स नहीं निकलती तो क्या है वहाँ पे आपको इन चीज़ों को
थ्योरेटिकली लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्लो की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि हम लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमसीपी इनटू डेल्टा टी करके गए हैं, हम लोड कैलकुलेशन करते हैं अपने हीटर का, तो एम कहाँ पे है, वहाँ पे के मास आता है, मास मतलब फ्लो। तो दोस्तों डेफिनेटली हमें ये आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें बताएंगे कैसे आप हीट लोड कैलकुलेट करोगे, कैसे आप थर्मिक फ्लूइड हीटर की एफिशिएंसी निकालोगे, तो थर्मिक फ्लूइड हीटर के डिफरेंट डिफरेंट लॉस क्या होते हैं, तो हम अपने हीटर्स की एफिशिएंसी कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ये सारे इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों रिकमेंड करूंगा यदि आप इस प्रोफेशन में, डेफिनेटली मेरे सारे वीडियो देखिएगा आने वाले, क्योंकि मैं इतना रिकमेंड करके कह सकता हूं कि आप एक प्रो लेवल बन जाओगे यदि आप इन वीडियो को यदि आप अच्छे से फॉलो करोगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या है, थर्मिक फ्लूइड मैक्सिमम आउटलेट टेम्परेचर, कि भाई जो आपका थर्मिक फ्लूइड हीटर है वो मैक्सिमम आउटलेट टेम्परेचर कितना वो हम डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कितना डिलीवर करता है, तो क्या है वो 280 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों ये एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस क्या है, जो हम हीटर प्रोक्योर करते हैं वो क्या है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों फोर्थ वन क्या है, टेम्परेचर रेज इन थर्मिक फ्लूइड हीटर, कि भाई जो हमारा टेम्परेचर रिटर्न आ रहा है उसको हम कितना गेन करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस हीटर के थ्रू, कितना उसमें राइज अप करके क्या हम आउटलेट टेम्परेचर में प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या है दोस्तों, मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस, कि भाई हम 29 डिग्री सेल्सियस तक का क्या है हम टेम्परेचर इंप्रूव करके हम दे सकते हैं प्रोसेस को इस हीटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम प्रेशर है थर्मिक फ्लूइड हीटर आउटलेट, कि भाई जो हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर का जो पंप के डिस्चार्ज के बाद क्या है दोस्तों, वो जो हमारा कन्वेक्शन जोन या फिर रेडिएशन जो या फिर आईबीएच के थ्रू सर्कुलेट होने के बाद जो हमारा प्रोसेस को जाता है उसका प्रेशर कितना है, वो क्या है हमारा 4.5 बार है। इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो पंप के डिस्चार्ज में हमारा हमेशा मैक्सिमम प्रेशर रहेगा, लेकिन फाइनली प्रेशर हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जो हमें प्रोसेस को डिलीवर करना होता है, या तो इस बीच में क्या है हम इंटरमीडिएट बूस्टर पंप लगा सकते हैं एज पर द प्रोसेस रिक्वायरमेंट, या फिर हमारा सर्कुलेशन पंप से यदि मेंटेन होता है तो एज पर द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो हम ओनली फॉर सर्कुलेशन पंप से ही हम डिलीवर करते हैं प्रोसेस को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है, हॉट वाटर फ्लो रेट, कि भाई जो हमारा डब्ल्यू पी एच है उसमें फ्लो रेट कितना होना चाहिए, तो क्या है हमारा 130 मीटर क्यूब पर हावर होना चाहिए। इस तरीके से यदि आपके उसमें स्टीम बॉयलर लगा है या फिर डब्ल्यू पी एच लगा है, तो आपको भी वो सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। और इन चीज़ों को दोस्तों आप एक मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जब इन चीज़ों में आप गो थ्रू हो तो डेफिनेटली एक डायरी बनाइए, उसमें सारी चीज़ें लिखिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से जान पाए। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि हॉट वाटर मैक्सिमम आउटलेट टेम्परेचर, कि भाई जो हमारा स्टार्टिंग में हमने आपको ये बताया कि भाई जो हमारा 1540 क्या है जो किलो कैलोरी पर हावर है, इतनी एनर्जी कंज्यूम करने के बाद क्या है कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेगा, वो क्या है 180 डिग्री सेल्सियस क्या है रेज करेगा। तो दोस्तों जो डेल्टा टी हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई हम डेल्टा टी कितना इंप्रूव करके भेज सकते हैं 29 डिग्री सेल्सियस तक के, लेकिन इसी तरीके से क्या है डब्ल्यू पी एच में हम कितना अरेज करके भेज सकते हैं उसको 12 डिग्री। तो दोस्तों ये इतना एनर्जी कंज्यूम के बाद क्या है हम जो डेल्टा वेरिएशन आएगा तो जो 12 डिग्री तक का है क्या दोस्तों हम उसको मेकअप करके हम भेज सकते हैं। तो नाइन्थ पॉइंट क्या दोस्तों, ओवरऑल एफिशिएंसी विद डब्ल्यू पी एच, कि भाई हमारा जैसे जिस तरीके से हम ए पी एच लगाते हैं, इकोनोमाइजर लगाते हैं, तो क्या है हमारे हीट रिकवरी क्या है बढ़ जाती है, तो हमारी क्या है ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्लूड क्या है हमारी इंप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों हमारी इस हीटर के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, वो क्या है हमारी 81 प्लस माइनस 2, उसमें क्या है 2% ज़्यादा भी हो सकती है, वो 83 भी हो सकती है, और क्या है वो 79 भी हो सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन में क्या है हमारे 10th में क्या है होल्डअप की बात की गई है। तो दोस्तों होल्डअप क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो रेडिएशन है और क्या है कन्वेक्टिव कोल्स है। होल्डअप्स का मतलब होता है कि जो हीटिंग सरफेस एरिया है उसमें हमारा कितना ऑयल होल्डअप रहेगा, मतलब कितना ऑयल आता है उस सरफेस के अंदर। तो दोस्तों वो क्या है हमारा रेडिएशन कोल का रहेगा। इसी तरीके से कन्वेक्टिंग कोल्स का जितना भी हीटिंग सरफेस एरिया है उसमें कितना ऑयल आता है, दैट इज द होल्डअप ऑफ कन्वेक्टिव कोयल। तो दोस्तों ये यहाँ इन्होंने क्या है ब्लैंक छोड़ा है, तो दोस्तों इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है, तो इसमें क्या है आप यदि कैलकुलेट कर सकते हैं तो क्या है नंबर ऑफ ट्यूब्स उनका एरिया करके क्या है आप नंबर ऑफ ट्यूब्स का आप निकाल सकते हैं। तो क्या है या फिर बहुत सारे मैनुअल्स में क्या है ये चीज़ें रहती है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई आपके सर्किट में कितना ऑयल आता है। तो डेफिनेटली सपोज दैट कि मेरा जो रेडिएशन कोयल है उसमें मेरा क्या है 3000 लीटर आता है, तो जो मेरा कनेक्टिव कोयल आता है सपोज दैट वो मेरा 4500 लीटर आता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अभी क्या हो गया टोटल होल्डअप कितना हो गया हमारा 7.5 मैट्रिक टन, कि भाई इतना मेरा हीटर की होल्डअप है। तो आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि होल्डअप किसे बोला जाता है। तो क्या है ये इस तरीके के क्वेश्चन क्या है इंटरव्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं, यदि आप सबको ये चीज़ें पता रहेंगी तो डेफिनेटली एक अच्छा इंपैक्ट इंटरव्यू की पे आपकी तरफ से आ जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन चांसेस क्या है इंप्रूव हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे है कि फ्यूल कंपोजिशंस,
कि फ्यूल के लूप कंपोजिशन में दोस्तों ये क्या होता है कि स्पोडेट की हमारा जो फॉरवर्डिंग की उन्होंने किया है स्पोडेट की इंडियन कोल या फिर इंडोनेशियन कोल पर डिजाइन किया है, तो जिस टाइम पे उन्होंने डिजाइन किया उन्होंने क्या क्या पैरामीटर्स लिए हैं, क्या क्या कोयले की अल्टीमेट एनालिसिस क्या क्या ली है, उसमें फिक्स कार्बन कितना है, सल्फर कितना है, एस कितना है, हाइड्रोजन कंटेंट कितना है, क्या है वो उस स्पेसिफिकेशन पे क्या है, वो सारी चीज़ें डिजाइन होती है। जैसे कि हम सारी चीज़ें उस पे क्या है जैसे कि एयर टू फ्यूल रेशो क्या 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 रखा होगा उस अल्टीमेट एनालिसिस के हिसाब से, वो सारी चीज़ें मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से अल्टीमेट एनालिसिस के रिस्पेक्ट में कितना एयर फ्यूल रेशो डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों अभी 12th मिनट में क्या है कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल लोड, तो दोस्तों इसमें इसका यहाँ पे क्या आता है कि भाई आपके हीटर की कितनी भी जो एक्सेसरीज है वो कितनी पावर ड्यूरिंग ऑपरेशन लेती है, तो क्या है उसको हम क्या कहते हैं कनेक्टिंग लोड बोलते हैं। तो जिसमें से जैसे कि हमारा थर्मल फ्लूड पंप है, एफडी फैन है, आईडी फैन है, बकेट एलिवेटर्स है, कि वो ड्यूरिंग ऑपरेशन 24 आवर्स में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जो हमारे SSK फीडर्स हैं, जो हमारा ट्रांसफर पंप है, W हॉट वाटर पंप्स है, वो टोटल में क्या है वो कितना कनेक्टिंग लोड है वो क्या है वो चीज़ें बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है जो हमारा थर्मिक फ्लूड हीटर है का जो पंप है वो क्या है हमारा 132 क्या है किलोवाट हमारा उस पर इलेक्ट्रिकली लोड रहेगा। FD फैन यदि दो हैं चल रहे हैं तो हमारा 60 किलोवाट क्या है हमारा वो लोड लेगा। आईडी फैन कितना है ये हमारे पर हावर के हिसाब से लोड है, ये बकेट एलिवेटर 3.7 5.5, और यदि हमारे डैम FD डैम पर दो है उस हिसाब से हमारा 0.75 किलो वाट रहेगा, या फिर हमारे SSK है स्क्रू फीडर्स हैं वो यदि दो हैं तो 1.1 किलो वाट के 2.2 है टू रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको नहीं पता तो आप क्या है वो सारी चीज़ें आप कॉपी लेकर आप हर एक पंप के पास जाइए, मोटर के पास जाइए, उसके किलो वाट आप एक पेज पे लिखिए और सभी मोटर्स का क्या है एक लिस्ट आउट करके टोटल कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके यूनिट का जो कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल लोड कितना है। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारे लिस्ट आउट कर लेने हैं अपने एक जो डायरी है, और दोस्तों आपको पर डे का जो आपके इलेक्ट्रिकल कंजप्शन आया है आप उसको देखो कि वो आपके कनेक्टिंग लोड के रिस्पेक्ट से कितना चल रहा है, तो क्या है वो आपके KPI में भी आ जाएगा और आपको एक इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों यदि आप इस तरीके से गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली क्या है आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तो तभी के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत, सदा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।